Hey guys, welcome to a new vlog. तो हुआ ये कि मेरा जो residence permit है expire हो चुका है, क्योंकि शंघाई lockdown में है, सारे visa renewal वाले offices बंद पड़े हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा था हम कैसे renew कराएं। तो हमने उनको call किया कई बार और उन्होंने एक ही चीज बोली कि अभी office बंद है, जब office खुलेगा, जब lockdown खुलेगा तब आप जा सकते हो, आपको extension मिल जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए कि lockdown था। residence permit renew या visa renew कराने के लिए हमेशा एक police verification वाला document लगता है यहाँ पे, जो local police office है वो आपका एड्रेस वगैरह वेरीफाई करता है, तो हम वो ही कराने के लिए जा रहे हैं आज। यहाँ पे जो एसेंशियल सर्विसेज है आप वो यूज कर सकते हो, जैसे पुलिस स्टेशन जाना। तो हम तीनों सोच रहे हैं, मैं, इवान और ओडिन, पुलिस स्टेशन जाएंगे। हम पूछेंगे कि ये काम हो सकता है कि नहीं जो वेरिफिकेशन वाला है, और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी लेके जाऊँ, ट्राई करती हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी दिखा सकूंगी दिखा दूंगी। ये देखो हमने यहाँ मच्छर वाली जाली लगा दी है, जैसे ही ठंड खत्म हुई ये मच्छर पैदा होने लग जाते हैं। हमारा घर एकदम लेक के पास है, मैग्नेटिक है, ये चिपक जाता है बाद में, देखो नीचे तक। ये देखो इवान ने सुबह सुबह आटा फैला दिया था यहाँ पे, और ये देखो रोज एक वाटरमेलन लेके आ रहे हैं, अभी वाटरमेलन का सीजन आ गया ना। आज मेरा गुड हेयर डे है, एक भी बाल मेरा इधर उधर उठ नहीं रहा है। ये सब्जियां उगने से पहले पीली हो गई, देखो आप, पता नहीं कौन सी बीमारी लगी है इनको। ये है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसमें हम जाने वाले हैं, देखो लग एकदम ये तेल वाला स्कूटर रहा है लेकिन है इलेक्ट्रिक, दिख जाएगा आपको कितनी बैटरी, बैटरी फुल है। तो हमारी कार कहीं फंसी पड़ी है जिसको हम लॉकडाउन की वजह से नहीं ला पा रहे हैं, तो हमारे पड़ोसी ने हमको उनका स्कूटर दे दिया। तो हम निकलने ही वाले थे बट हमने देखा कि गाड़ी की हवा कम है, थैंकफुली पड़ोसी ने हमको उनका पंप दे दिया। तो इस कार्ड को दिखा के हम निकल रहे हैं। मूवी के जैसा लग रहा है, जैसे होता है ना अपोकैलिप्टिक मूवी जिसमें लोग रोड्स पे नहीं होते, वैसे यहाँ पे हमेशा रोड्स खाली होती है, तो वो बात ही नहीं आई। नाइस, दे ग्रोइंग राइस हियर। अबे इवान से ज्यादा खुश तो कोई नहीं है, उसको बहुत पसंद है बाइक पे सामने खड़े रहना। कितना सारा पानी है यहाँ पे, हर सड़क के साइड में पानी है, हर जगह लेक्स रिवर्स यही बनी हुई है। यहाँ पे इतना आम हो गया कि लोग जमा नहीं होते पानी के आसपास। लॉकडाउन खुलाने की यहाँ पे लोग फिशिंग करने लग गए, देखो लेक के आजू बाजू बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। भाई चाइना बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा। ये गेस करो गेट किस चीज का होगा, मुझे लग रहा था होटल का है लेकिन एक्चुअली ये अपार्टमेंट बिल्डिंग का गेट है, बहुत ही शानदार है। गाइस पुलिस स्टेशन आ गया, मैं दिखाती हूँ, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है यहाँ पे, देखो बहुत हलचल है यहाँ पे। ये रहा हमारा पुलिस स्टेशन, घुसते ही हमसे फिर से इन्होंने टेस्ट करवा लिया सेल्फ वाला, तो इसका रिजल्ट कुछ 20-25 मिनट में आ जाएगा। ये देखो आप कितना बड़ा एरिया है, इसमें पार्किंग की भी बहुत जगह है। पहले जब भी हम पुलिस स्टेशन आए हमेशा खाली ही मिलते हैं, मे बी बिकॉज क्राइम रेट कम है या फिर क्योंकि इतने बड़े हैं इसलिए। इवान इज लाइक देखो पुलिस कार, पुलिस कार जो कार्टून में देखता हूँ मैं वो आज दिख गया मुझे, आई डोंट नो कि अंदर से दिखा पाऊंगी कि नहीं। तो गाइज हम बाहर घूम रहे हैं क्योंकि अभी टाइम लगेगा हमारा टेस्ट रिजल्ट आने में। मैं और इवान, इवान तो नई बाइसिकल दिखते ही उसका इंस्पेक्शन करने लग जाता है कि कैसी है, क्या है, कहाँ पे बास्केट, कलर, हर चीज। वो देख रहे हो आप छोटा सा, ये प्लैनेटेरियम है, यहाँ मुझे जाना है एक दिन, मुझे बहुत ही शौक है प्लैनेटेरियम्स का। इन्होंने कितना ट्रेडिशनल स्टाइल में पुलिस स्टेशन बनाया है, ब्लू कलर में रहेगा हमेशा और बहुत बड़ा है, रिजॉर्ट के जैसा है। देखो आप पीछे भी कुछ बिल्डिंग्स है, आगे भी है। लॉकडाउन के टाइम पे रिकॉर्ड करना वो भी पुलिस स्टेशन में, गवर्नमेंट बिल्डिंग में मैं पहले एक बार कर चुकी हूँ, वो कुछ और था, वो वीजा का सेंटर था, बट इस बार पुलिस स्टेशन है तो
पता नहीं, मैं ट्राई करूंगी। यहाँ पे कोई नो रिकॉर्डिंग वाला साइन नहीं लगा हुआ था। आई ट्राई। तो हमारा टेस्ट हो गया, लेकिन फिर भी हम बैरिकेड्स के बाहर वेट कर रहे थे क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर ऑलरेडी एक आदमी था। तो लॉकडाउन के टाइम एक टाइम पे एक ही आदमी अंदर अलाउड है। और ये गाड़ी हमारे सामने ही आई थी, ये एक्चुअली पानी डिलीवर करने आई है पुलिस स्टेशन में, तो जब पानी अनलोड होगा तभी चली जाएगी। और ये देखो जो कार्स है पुलिस जो यूज़ करती है उनका कलर पुलिस के कलर से मैच करता है, तो यहाँ यूनिफॉर्म ब्लू कलर की है, कार्स ब्लू कलर की है, बिल्डिंग्स ब्लू कलर की है, जो भी पुलिस से रिलेटेड है वो सब। और यहाँ पे देखो जो अम्ब्रेलाज लगे हुए हैं पीछे वो भी सारे ब्लू कलर के हैं। एंट्रेंस पे ये वाली मशीन लगी है, तो आपके घुसते ही फेस रिकॉग्निशन हो जाता है और ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है कि कौन आया है, उसके नाम पता सबके साथ, यू नो डिटेल्स भरने के लिए एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो गाइज यहाँ पे QR कोड से एंट्री है, घुसते ही छोटा सा रूम है और यहाँ पुलिस वाले अंदर है। देयर इज नो वे कि वो अपने रूम से निकल के आपको टच भी कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस जैसा ही सिस्टम है, वो आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते बिल्कुल। तो अंदर से दिखने में देखो पुलिस स्टेशन बैंक के जैसा ही लग रहा है, यहाँ पे बैंक्स भी ऐसे ही लगते हैं। और सीट्स वगैरह मैंने देखा थोड़ी डस्ट जम गई थी हर जगह, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम सफाई कर्मचारी शायद नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा साफ रहता है पुलिस स्टेशन। तो मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था रिकॉर्ड करने पे, मैंने यूट्यूब पे चेक किया, किसी ने भी पुलिस स्टेशन का वीडियो नहीं डाला है अभी तक। मैं थोड़ा छुप छुप के अपने छोटे वाले कैमरा से रिकॉर्ड कर रही थी। मैं बस आइडिया देना चाहती हूँ आपको कि कैसा होता है पुलिस स्टेशन, और बहुत सारे लोगों की बैठने की यहाँ पे जगह है। देखो इवान सीट से खेलने लग गया। तो गाइस हमारा काम लगभग हो गया। इवान को बहुत प्यास लग रही थी और हम लोग जा रहे हैं पानी लेने के लिए, वो भी सुपरमार्केट खुला है वहां पे, तो चलो। तो गाइज ये जो एरिया आप देख रहे हो ये थोड़ा रूरल टाइप का एरिया मानते हैं चाइना में, तो ऐसे सिटी के बाहर काफी एरियाज होते हैं और यहाँ पे ज्यादातर जो पॉपुलेशन रहती है 60 प्लस वाली दिखती है। तो नई जनरेशन ज्यादातर सिटी सेंटर में रहना पसंद करती है। गाइज हम लोग यहाँ पे आए हैं इसका पानी लेने। बहुत सारी शॉप्स क्लोज्ड हैं लेकिन कुछ कुछ ओपन है। ये क्लोज्ड है, इनमें ऐसे पट्टियां लगी हुई है। देखो हुआवी वाला भी बंद है, लेकिन कुछ शॉप है जिसमें ओडिन जा रहा है, घुस रहा है, ये वाली ओपन है। तो कुछ छोटे छोटे सुपरमार्केट्स ओपन हो रहे हैं अभी। ये एक वॉशिंग मशीन वाली शॉप है, ये भी ओपन है। Ivan is like, buy this, okay, giving me a, Ivan you can eat this, this has milk, milk inside, Ivan मुझको दिए जा रहा है चीजें, तो हम लोग ये ले रहे हैं Ivan के लिए जेली, बहुत पसंद है उसको ये pineapple, हाँ, this by the time, after time finish, the thing. ये देखो यहाँ हस्बैंड वाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं। I know, I saw it. Look. Wow. Nice, huh? Is this supermarket? तो हम लोग आ गए सुपरमार्केट में, छोटे से देखते हैं। ये हमारा सुपरमार्केट नंबर वन है लेकिन शॉप नंबर सेकेंड है। मुझे
Wow, milk. Expensive, huh? Expensive one. We have milk. ये बड़ा है, यहाँ पे हम पहले आ चुके हैं, यहाँ दूध की वैरायटी है बट मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है। काफी लोग हैं यहाँ पे। तेल की वैरायटी देख लो आप, काफी सारी शेल्फ्स खाली भी है। देखो आप, यहाँ सब कुछ नहीं भरा हुआ है लेकिन जो कुछ चाहिए आपको थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा। पूरी तरह भरे हुए नहीं है बट काफी है, हमेशा पूरे भरे रहते हैं। अभी सामान कम सप्लाई हो रहा है ऐसा लगता है। तो हम एक और सुपरमार्केट में आ गए, अभी थोड़ा बड़ा है, पिछले वाले में ज्यादा सामान नहीं था। देखो यहाँ पे आटा चावल वगैरह बहुत है तो हम वही खरीद रहे हैं। थोड़ा ये रूरल टाइप का है बट यहाँ पे आपको बेसिक चीजें सारी मिल जाएंगी। मुझे मूंग दाल लेनी थी तो मैं ये ले रही हूँ। अभी देखो बस अब हम घर जा रहे हैं, हो गया हमारा शॉपिंग वॉपिंग, सब कुछ मिल गया हमको जो चाहिए था। घर पास में ही है, आपको घर जाके बताती हूँ क्या लिया। देखो अभी यहाँ पे हमारे इस बिल्डिंग के बाहर ही ट्रक खड़ा है जिसमें सारी सब्जियाँ और सी फूड वगैरह आया है। कोड़ी यहीं से खरीद रहा है और सब कुछ है, बहुत बड़ा ट्रक है। कुकुम्बर, प्याज के बोरे आए हैं, स्नैक्स भी हैं थोड़े बहुत, नमक, चीनी। तो हमने ऐसे बोरे रख दिए हैं, ये डिक्की में बहुत कम जगह है, सब्जियाँ आई है बस मेरी। तो हम आ गए घर, मैं आपको बताती हूँ हम क्या क्या लेके आए हैं। ये धनिया लाई हूँ मैं खूब सारा, 1 किलो से ज्यादा है बथुआ, 100 रुपए का, विच इज वेरी चीप आई थिंक। ये हॉट पॉट का सॉस है, हॉट पॉट बनाएंगे तो हम। सनफ्लावर सीड्स, चिकन विंग्स चाइनीज स्टाइल की स्पाइसी, इवान के स्नैक्स, इवान के लिए सॉसेज, ये है हमारा मिलेट दलिये वाला, मूंग दाल खूब सारी 90 रुपीज की, नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, आई थिंक ये 600 ग्राम है। यहाँ पे कुछ इंस्टेंट नूडल्स और यहाँ पे कुछ और सब्जियां हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, यानी आप देख सकते हो हम थके हुए हालत में हैं और अभी मैं जाऊंगी सब्जियों को जगह पे रखूंगी फ्रिज में, सारा सामान ठीक करूंगी, थोड़ी सफाई करूंगी, इवान का खाना बनाऊंगी, अपना खाना बनाऊंगी उसके बाद। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना प्लीज। सब्सक्राइब ही नहीं करता कोई, यानी मैं बोलती नहीं हूँ तो कोई करता ही नहीं है सब्सक्राइब, इसलिए लोगों को बोलना पड़ता है। मिलते हैं जल्दी ही कोई इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।